और अगर आप कभी ब्रिटिश उसमें देखें तो पिम्स एंड क्वामकॉट की बहुत अच्छी ड्रिंक्स बनती हैं, तो ये आई थिंक मैं अपनी ड्रिंक्स के लिए उगाती हूँ। और इसका फल बहुत ही अमेजिंग मैंने खाया है, बहुत अमेजिंग। एंड ये या सो आई हैव लॉट्स ऑफ नारंगी, गुआवा, मलबेरी, अनार, ग्रेप्स एंड ऑब्वियसली वेजिटेबल प्लांट्स एंड चकोतरा, लॉट्स ऑफ लेमन्स। ये बहुत पुराना पौधा है मेरा, एक ये सुरमई चेरी है, बहुत अच्छी चेरी आती है जिसके यू नो डेंटेड होती है, इट्स वेरी नाइस। ट्रीज ऑफ मलबेरी, आई हैव 5 प्लांट्स, दो में बहुत फ्रूटिंग हो चुकी है, फ्रूटिंग सब में हुई है पर दो में बहुत हो चुकी है। हाँ, और ये तीसरी बार होगा और मैंने अभी तोड़ा नहीं है बिकॉज इसको भी पकने में, एंड मैंने नोटिस करा कि ये पहले हल्का होता है एंड धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। सोई बेल है जिससे मुझे इस बारी 2.6 केजीज मिला था सिर्फ मेरे लिए, और उसके बावजूद मैंने अराउंड 1.5 किलो छोड़ दिया था बर्ड्स वगैरह को खाने के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ होने वाली हैं किशी अरोड़ा जी जो कि रहती हैं प्रीत विहार में, और हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रूटिंग प्लांट्स को लेकर। भाई इतनी बड़ी बड़ी अगर फ्रूटिंग आपको चाहिए तो कैसे ले सकते हैं, कौन से प्लांट्स आपको लगाने चाहिए छत पर, और कितनी वैरायटी जो इन्होंने अपनी छत पर लगाई हुई है और फ्रूटिंग ले रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अपने फ्रूट प्लांट के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इनके ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर वो मिस कर गए हैं तो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। डिटेल में हमने इनका पूरा जो टेरिस है वो दिखाया है आपको और उनसे बात करवाई है, इनकी गार्डनिंग जर्नी, और बहुत नॉलेजेबल हैं और बहुत सारा नॉलेज शेयर किया है लास्ट वीडियो में, तो वो भी जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मैडम का जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, अब मिलवाता हूँ उनसे और डिटेल में हम बात करते हैं। मेरा नाम किशी अरोड़ा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं एक प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ हूँ। क्या बात है। और मैं फूड कंसल्टेंट हूँ, तो मैं लोगों को खाने की जगह को सेटअप करने में मदद करती हूँ, रेसिपी डेवलपमेंट करती हूँ, मेन्यू डेवलपमेंट करती हूँ, एंड ऑब्वियसली बिकॉज मुझे खाने का शौक है तो मैं खाना भी बहुत बनाती हूँ। अरे वाह। एंड बिकॉज मैं खाना बनाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खाना खुद ग्रो भी कर सकूँ, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। आई थिंक दैट could have been my profession in a different life. abhi main usko shaukiya karti hu. And main pichle jab se main Delhi mein aayi hui hu 2007 se, okay, main tab se gardening kar rahi hu and I do have a decent collection. to logo ko main suggest karunga inke Instagram profile par aap jaake inko visit kijiyega to aapko bahut sari na cheeze aapko janne ke liye milegi, plants ke bare mein bhi aur cooking ke bare, khane ke bare mein bhi. to aaj ka jo plant hai wo hum fruiting plants cover kar rahe hain. सो अगर हम फ्रूटिंग प्लांट से स्टार्ट करें, सो दिस इज़ अ फिग प्लांट, ओके, दिस इज़ अ वाटर एप्पल प्लांट, ये बैंगलोर में बहुत फेमस होता है और ये ग्राफ्टेड है। ये मैंने एक नर्सरी है, सप्तगिरी नर्सरी, साउथ में है, मैंने उनसे मंगवाया था बिकॉज मुझे बहुत पसंद है वो पौधा और फ्रूट। तो यू नो इसकी फॉलियज इतनी सुंदर होती है हरे रंग की, सो गर्मी में दिल्ली में बहुत अच्छा लगता है ये अगर लगा हुआ हो। तो मैंने उनसे ग्राफ्टेड पौधा मंगवाया एंड आई एम रियली होपिंग एंड प्रेइंग कि इससे मुझे बहुत अच्छा फ्रूट मिलेगा। ये कौन सा है? ये भी फिग है, दिस इज अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिग, वो ब्राउन फिग टर्की फिग है और ये नॉर्मल जो ग्रीन वाला फिग होता है और इसके अंदर पिंक कलर है। ये केप गूसबेरी का प्लांट है, ये कंपोस्ट से निकला हुआ है, कभी खाया होगा, बीज गिरे होंगे, तो अब मैंने इसकी प्रूनिंग वगैरह कर दी है फॉर इट टू सर्वाइव द रेनी सीजन एंड फिर मैं बारिशों में इसे थोड़ा हटा दूंगी। देन ये चकोतरा इंडियन चकोतरा जिसे बोलते हैं। प्लांट पे कितना ज्यादा स्ट्रेस आ गया होगा अगर इसे ग्रो करना होगा तो? इस पे स्ट्रेस ही एयर लेड है, इनफैक्ट मेरी एक दोस्त के घर से आया हुआ है ये एयर लेयरिंग करके, ये वो वाला प्लांट है। मैंने एक पहले लिया था जो छोटा था और मर गया, उसके बाद फिर मैंने उससे मंगवाया एंड इससे मैं फल खा चुकी हूँ 2 बार। अच्छा, 2 बार खा चुकी हूँ। और ये तीसरी बार होगा और मैंने अभी तोड़ा नहीं है बिकॉज इसको भी पकने में, एंड मैंने नोटिस करा कि ये पहले हल्का होता है एंड धीरे धीरे भारी होता जा रहा है, सो इसीलिए ये सपोर्ट दिया है कि गिरे ना, बिकॉज दिल्ली में तूफान वगैरह आए तो गिर सकता है, तो इसको सपोर्ट किया। मेरे को लगता है कि और ये काफी भारी हो गया है। हाँ, भारी हो गया। बिकॉज ये गमले के अंदर है, इसमें फूल बहुत थे बट सर्वाइव फ्रूट वाइज एक ही करा है। तो पहले भी एक ही हुआ था? नहीं, पहले तीन हुए थे, तीन हुए हमने खाए हैं। बट यही है कि इस बारी जब तूफान वगैरह आया तो फूल काफी गिर गए, बट ये ऐसा पौधा है कि फिर फूल दे देगा और एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। साल में एक बार फ्रूटिंग होती है? 2 बार आराम से फ्रूटिंग होती है इसकी। और फिर ये अनार है, इसमें पिछले साल ज्यादा पौधे में 2-3 फल होंगे पर इस बार काफी सारे लगे हुए हैं। अरे वाह,
कई सारे आ गए। और ये नारंगी का पौधा है, मैंने इसको अब काफ़ी बड़े गमले में लगवा दिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक बड़ा पेड़ बन जाए और इसमें खूब फल आए, बिकॉज नारंगी में मेरे पास काफ़ी सारे नारंगी के पौधे हैं, तो मैं इसकी जैम बनाती हूँ और बेचती हूँ। अच्छा, आराम से 4 या 5 किलो मेरे छत से मुझे मिल जाता है। मेरे पास कॉमकॉट भी है, तो मैं मिक्स करके नारंगी कॉमकॉट की जैम बनाती हूँ। तो ये जब आप बेचती हैं तो ऑर्डर कैसे लेती हैं फिर? इंस्टाग्राम ऑनलाइन, इंस्टाग्राम ऑनलाइन, एंड देन आई जस्ट पुट अ लिंक एंड लोग देखते हैं ना, ऑर्डर कर देते हैं। मैं टमाटर, मेरे छत से बहुत टमाटर मिलता है, ठीक है, हम दो लोग हैं, हम कितना खा सकते हैं, तो सैलड्स में डालने के बाद मैं टमाटर की चटनी, नारंगी की चटनी, केप गूसबेरी की जैम, ऐसे बहुत सारी चीजें बनाती हूँ बॉटल्स में, एंड देन वी सेल इट। तो वो आपको अगर इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप दे सकती हैं जब सीजन में होगा, जैसे सर्दियाँ आएंगी और फिर जब बनेगा तो फॉर श्योर, ऑब्वियसली आई वुड लव फॉर पीपल टू बाय। ये बात अच्छी बता दी फिर तो। एंड व्हेन इट कम्स टू फ्रूटिंग प्लांट्स, ये अंगूर की बेल है जिससे मुझे इस बारी 2.6 केजीज मिला था सिर्फ मेरे लिए, और उसके बावजूद मैंने अराउंड 1.5 किलो छोड़ दिया था बर्ड्स वगैरह को खाने के लिए जिनके लगे हुए हैं। और मैं इसको भी टाइम टू टाइम प्रून करती रहती हूँ, बिकॉज मुझे ये बेल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि इसमें फल बहुत लगे, तो मैं इसको प्रून करती रहती हूँ। और ये एक ड्रम को, कटे हुए ड्रम में लगा हुआ है एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। अब मेरा दिली तमन्ना है कि मैं ब्लैक अंगूर लूँ क्योंकि ये हरा अंगूर है। चलिए, तो वी विल सी। तो ये जामुन है? हाँ, ये जामुन का, ये भी ग्राफ्टेड पौधा है और ये वही मैंने सप्तगिरी नर्सरी से लिया था उनसे। तो वहाँ से आप बहुत सारे प्लांट्स? मैंने उनसे काफ़ी सारे ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स लिए थे बिकॉज मैं ट्राई करना चाहती हूँ। एंड मैंने अपनी एक दोस्त के घर में देखा था जिसके घर में बहुत अच्छा फल मिल रहा है, वो बात अलग है, वो बैंगलोर में रहती है, बट देयर इज नो हार्म ट्राइंग पौधों के साथ एक्सपेरिमेंट। ये बहुत पुराना पौधा है मेरा, एक ये सुरमई चेरी है, बहुत अच्छी चेरी आती है जिसके यू नो डेंटेड होती है, इट्स वेरी नाइस। देन आई हैव फ्यू वेराइटीज ऑफ मलबेरी, आई हैव 5 प्लांट्स, सो आई हैव मीडियम साइज, अ स्मॉल साइज, इनमें से 2 में बहुत फ्रूटिंग हो चुकी है, फ्रूटिंग सब में हुई है पर 2 में बहुत हो चुकी है। अच्छा। इस वाले में और पहले वाले में। तो ये ब्लैक और ये कौन सा कलर है? ये वाला क्या कहते हैं, छोटा व्हाइट वाला है और वो लंबा ग्रीन वाला है। ओके। एंड ये वाले रेड वाले हैं, रेड वाले हैं। तो इनमें भी अगर आप देखेंगे सबकी पत्तियाँ अलग है, ये अलग बड़ी पत्ती है, ये छोटी पत्ती है, इसमें पत्ती का शेप ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। हाँ, तो ये 5 मलबेरी है बिकॉज पहले हम लोग स्कूल में खाते थे मलबेरी, तो अब कहीं दिखता नहीं है मुझे ज्यादा, सो मैंने अपने घर में लगा रखे हैं। एंड दिस इज अ वाइट पॉइनसेटिया जो मैंने बीज से स्टार्ट करा था और ये बहुत बड़ा पौधा हो गया, इसकी मैं बहुत प्रूनिंग करती हूँ, ये सर्दियों में बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल सफेद, जैसे लंदन में होते हैं वो पूरे सफेद फूलों से भर जाता है, मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है, तो मतलब बाहर के जो प्लांट्स हैं वो भी आपने सरवाइव करवा लिया यहाँ पे? मेरी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरे भाई और मेरी एक और फ्रेंड है, बिटवीन द 4 ऑफ देम मुझे सीड्स हर जगह से मिलते हैं। मैं आपको मेरा सीड बॉक्स दिखाऊंगी, इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड बॉक्स बिकॉज़ आई एम लाइक दैट, बट मैं हर जगह से सीड्स मेरे को मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली देते रहते हैं, किसी को तो जो इंडिया में है वो तो पौधे भी ला के दे देते हैं। तो गुआवा की कितनी वैरायटी है आपके पास? सो आई हैव 4 वैरायटीज ऑफ गुआवा एंड आई आल्सो हैव लॉट्स ऑफ नारंगी एंड कॉमक्वाट। तो ये कॉमक्वाट है जो नारंगी जैसे राउंड होती है, ये ओब्लोंग होता है थोड़ा। ओके। और अगर आप कभी ब्रिटिश उसमें देखें तो पिम्स एंड कॉमक्वाट की बहुत अच्छी ड्रिंक्स बनती है, तो ये आई थिंक मैं अपनी ड्रिंक्स के लिए उगाती हूँ, लेस फॉर जैम। ओके। नारंगी कैलामोंडिन इज मोर फॉर जैम, ये वाला, इसके काफी सारे मेरे पास पौधे हैं। ओके। मेरे पास गुआवा की वैरायटी है, दिस इज अ जापानीज गुआवा, देन दिस इज अ सीडलेस गुआवा ओवर हियर, और इसका फल बहुत ही अमेजिंग मैंने खाया है, बहुत अमेजिंग। एंड ये इस बार ही मैंने देखा है कि फूल गिर गए बट ये अपने आप फिर से आ जाएंगे, इट्स अ हेल्दी प्लांट, तो कोई टेंशन नहीं है। एंड देन उधर 2 गुआवास हैं। अरे वाह, इसमें तो अच्छी खासी फ्रूटिंग हो रही है। दिस इज अ थाई गुआवा, इसमें ये रहा ये वाला गुआवा। एंड उधर एक ग्राफ्टेड वेराइटी है जो आई एम वेटिंग कि अब फुटाव ले लिया उसने, सेटल हो गया ये। ओके। एंड आई थिंक शायद यहाँ पे यू नो गार्डनिंग इज सो मच अबाउट लर्निंग, मैंने रियलाइज करा मैंने इतने ग्राफ्टेड पौधे को बहुत बड़ा गमला दे दिया उस टाइम पे ग्रीडी होके कि इसमें बड़ा फल मिलेगा, बट इसको रूट्स को ग्रो करने में टाइम, तो इसको मुझे छोटे में देना चाहिए, बट नाउ इट्स सेटल, आई कैन सी न्यू यू नो लीव्स हैव कम। Okay, और ये नारंगी, नारंगी का, या सो आई हैव लॉट्स ऑफ नारंगी, गुआवा, मलबेरी, अनार, ग्रेप्स एंड ऑब्वियसली वेजिटेबल प्लांट्स एंड चकोतरा, लॉट्स ऑफ लेमन्स। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच इतना शेयर करने के लिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर पसंद आ गया भाई तो लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ तक देखा है तो मत जाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।